गाड़ी हैंडल कर लेते हैं एयरपोर्ट तो ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए जो हम आपको अतिक्रमण से जुड़ी हुई दिखा रहे थे। चिलचिलाती गर्मी है तो बस एक घूंट यहाँ पर पानी पी रही थी क्योंकि इस चिलचिलाती गर्मी के बीच में दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं जो बुलडोजर के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। वो भी एक्शन मोड पर है क्योंकि कभी भी उनको ये आदेश आ सकता है कि उनको बुलडोजर एक्शन में यहाँ पर लाना है। लेकिन जो पहलू हम सभी ग्राउंड जीरो से समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि किसी भी कार्रवाई को धार्मिक चश्मे से, मजहब के चश्मे से ना देखा जाए। क्योंकि जब भी बुलडोजर चलता है तो जाहिर सी बात है दर्द होता है जब किसी का आशियाना या किसी की मेहनत टूटती है। लेकिन अगर वो मेहनत नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई है तो उसका टूटना यहाँ पर लाजमी हो जाता है। चंदन मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। चंदन यहाँ पर तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि क्या कुछ इस वक्त हलचल। बिल्कुल देखिए, यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ से फिलहाल इस मचान के पास से बुलडोजर को हटा लिया गया है और एमसीडी के अधिकारी या जिनका ये जिनकी दुकान है उनका कहना है कि इस पाइप को खोल लिया जाएगा, ये इंक्रोचमेंट नहीं है, ये टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर है, ऊपर कुछ काम करने के लिए बनाया गया था, इसे तोड़ा जाएगा, इसे हटा दिया जाएगा। और चूंकि अगर यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल होता तो पाइप के गिरने का डर था जिससे लोगों को चोट आ सकती थी, इसलिए फाइनली ये किया गया है तय कि बुलडोजर से ना हटा करके इसे स्थानीय जिन ठेकेदारों ने या जिन लोगों ने इसे तैयार किया है वो इसे एक एक करके खोलेंगे ताकि किसी तरह का डैमेज ना हो। पुलिस वाले और यहाँ पैरामिलिट्री के जवान तैनात है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भीड़ यहाँ पर लगी हुई है उनको सबसे पहले हटाया जाए। यहाँ आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है वो रोड से थोड़े दूर की तरफ खड़ा हो गया है ताकि जो लोग हैं यहाँ पर, इस तरह का माहौल बन रहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल इस बिल्डिंग पर हो सकता है और उससे एक तरह से भीड़ ज्यादा जमा हो गई थी, उसे हटाने के लिए बुलडोजर को फिलहाल थोड़ी देर के लिए दूर किया गया है। पुलिस वाले बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है और स्थानीय लोगों को समझा रहे हैं कि जो अतिक्रमण हुआ है जिसके मेजरमेंट कई बार पहले भी हो चुके हैं केवल उन्हीं स्ट्रक्चर को तोड़ा जाएगा, लोग इस बात को माने। और हमने कई दुकानदारों से बात की, वो भी अंदर से ये मानते हैं, उनके मन में ये बात है कि उन्होंने जो स्ट्रक्चर इलीगली खड़ा किया है, जो इंक्रोचमेंट है, उसे आज नहीं तो कल हटाया जाएगा, वो इस बात को लेकर के पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन स्थानीय लोग जो उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो इसका विरोध करने के लिए आए हैं, कुछ लोग राजनीतिक मकसद से भी विरोध करने के लिए आए हैं। लेकिन अगर हम बात करें आम लोगों की तो आम लोग इस बात को लेकर के खुश इस वजह से भी हैं कि यहाँ पर जिस तरह का इंक्रोचमेंट हुआ उससे ट्रैफिक जाम की भी स्थिति होती है, लोगों को परेशानी होती है, इसलिए अगर कोई इंक्रोचमेंट है तो उसे हटाया जाना चाहिए। लोग इस इलाके में जो दशकों से रह रहे वो जानते हैं कि ये इलाका कैसे एक धीरे धीरे करके कंजेस्टेड हो गया है और उस कंजेशन को हटाने के लिए ज़रूरी है कि जहाँ पर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हुए या जहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ उसे हटाया जाना ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी को देखते हुए एमसीडी ने ये कार्रवाई करने का तय किया है। लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही थी, दिल्ली पुलिस ने आज फोर्स मुहैया कराई है और आज जो है एमसीडी की टीम यहाँ पर पहुँची है बुलडोजर को लेकर के ताकि कोई सॉलिड स्ट्रक्चर हो, कोई कॉन्क्रीट का स्ट्रक्चर हो तो उसे भी हटाया जा सके, जिसके लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होती है, ताकत की ज़रूरत होती है, उसे बुलडोजर से हटाया जाएगा। और जो चीज़ें खुद इंसान खोल सकता है, जैसे हम देख रहे हैं कि ये पाइप है, इस स्ट्रक्चर को खुद खोल लिया जाएगा तो यहाँ पर बुलडोजर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन एमसीडी की पूरी तैयारी है कि जहां पर ज्यादा पावर की जरूरत है, फोर्स की जरूरत है, वहां बुलडोजर लगा भी स्ट्रक्चर को हटा सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि कई दुकानों के आगे फुटपाथ या अपना एरिया बना लिया गया है, जो दुकानदार जो है वो जो शॉपिंग करने के लिए आते हैं उनकी सुविधा के लिए, तो ऐसी जगहों को तोड़ा जाएगा, उसके लिए बुलडोजर का इस्तेमाल होगा। लेकिन फिलहाल और तो ऊपर की आगे की तस्वीर जो है मेरे दोनों सहयोगी आप तक दिखा रहे हैं, लौटेंगे आप तक जरूर लौटेंगे, लेकिन मेरे सहयोगी आपको ये वाली तस्वीर दिखाएंगे। देखिये दूर दूर तक दिखाइए, पूरा खोल का फ्रेम दिखाइए, किस तरह से ये भारी हुजूम इस वक्त यहाँ पर उमड़ा हुआ है। सुरक्षा बल के जवान तैनात है, स्थानीय लोग मौजूद है, कुछ जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, कांग्रेस की तरफ से भी मौजूद है और साथ ही आप समर्थक भी कुछ नजर आ रहे हैं इस बीच में, जो यहाँ लोग रहते हैं वो मौजूद हैं। क्योंकि जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है, जहाँ के पिलर्स उतारे जा रहे हैं जो कि अतिक्रमण के घेरे वाले मैप में आया है, वहीं पर आकर ठीक बुलडोजर रुका है। पहले बुलडोजर को चलने नहीं दिया गया, बहुत मशक्कत यहाँ पर की गई, उसके बाद ये बुलडोजर चला और आखिरकार बुलडोजर जहाँ पर रुका ठीक उसके सामने, जो इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा वो, मैं चाहूंगी आप वहीं पर ही दिखाएं ये पूरी तस्वीर, पूरा ये जो लोगों का भारी हुजूम इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, भारी भीड़ यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो इस बात की यहाँ पर तस्दीक करती है कि किस तरह से आज ये पूरी तस्वीर अतिक्रमण को लेकर यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन सिर्फ शाहीन बाग ही नहीं बल्कि एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जिसमें दिल्ली के कई इलाके शामिल हैं जो कि अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत आते हैं और यहाँ से निकलकर ये पूरा जो काफिला है नगर निगम की तरफ से जो बुलडोजर यहाँ पर अभी चलाया जाना है, फिलहाल कार्रवाई यहाँ पर शुरू होती नजर आ रही है। थोड़ा सा ऊपर आके आप ये पूरा से पूरा जो एंगल है यहाँ पर यह दिखाइएगा, ये आप देखिए। और इसी तस्वीर के साथ मैं अपने सहयोगी दीपक बिष्ट की तरफ रुख करूंगी। दीपक मैं थोड़ा सा दूरी पर हूँ
ताकि ये पूरी तस्वीर यहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो दिखा सकूँ। आप वहीं पर मौजूद हैं, क्या अपडेट और क्या तस्वीर, कहाँ तक पहुँच रही है कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई शुरू होने के लिए थोड़ा वक्त इसलिए चाहिए क्योंकि जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, बिल्डिंग जो बनी है उसके ठीक बाहर इंक्रोचमेंट का स्ट्रक्चर है, उसको हटाया जाना है। लेकिन ये स्ट्रक्चर हटाने के बाद शायद इसके जो पाइप हैं वो पब्लिक प्लेस की तरफ गिर सकते हैं, इसलिए उसको पहले से ही खोल कर अलग हटा रहे हैं क्योंकि नुकसान है, एक बड़ा नुकसान है। एमसीडी के कर्मचारियों ने दो बार इन्हें समझाया है और दोनों बार अब यहाँ जितने जो ओनर हैं इस बिल्डिंग के, उनके लोगों ने, मजदूरों ने इनको हटाना शुरू कर दिया है क्योंकि इसको अगर स्ट्रक्चर को गिराते हैं तो ये डैमेज हो जाएगा और शायद मालिक का एक नुकसान होगा। इसको लेकर भी यहाँ पर एमसीडी की भलाई दिख रही है कि पहले ही आप खुद हटा लीजिए और यही काम आप यहाँ पर देखने को मिल रहा है क्योंकि इस पूरे रोड में जो जी ब्लॉक है ये कालकाजी के सामने वाली सड़क है और यहाँ पर शाहीन बाग में जिस तरह से सुबह से इंक्रोचमेंट शुरू होना था 11 बजे से, लेकिन पहली बिल्डिंग में ही इतना काफी समय लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जिस इंक्रोचमेंट की बात की जा रही थी वो देखने को यहाँ पर मिल रहा है क्योंकि शुरुआती दौर पर यहाँ पर कई लोगों की भीड़ बुलडोजर के आगे खड़ी हो गई थी और बुलडोजर आगे नहीं बढ़ने देने को लेकर लोगों ने यहाँ पर काफी हंगामा किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस यहाँ पर पहुंची और पुलिस फोर्स के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेज पहुंची, लोगों को समझाया गया। स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान के साथ कांग्रेस के कई नेता भी यहां पर पहुंचे, लेकिन 5 से 6 लोगों को यहां पर अटेंड करने की बात सामने आई थी जिसमें 3 महिलाएं भी थी और उसके बाद उस विरोध को शांत करने के बाद बुलडोजर को आगे ले आया गया और इस बिल्डिंग के सामने जी ब्लॉक के खड़ा कर दिया गया है जहां पर इस स्ट्रक्चर को गिराया जाना है। लेकिन उससे पहले ही जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था मालिक के द्वारा उसको खुद ही ये मालिक के मजदूर वो हटा रहे हैं और कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि इसको जल्द से जल्द हटाया जाए ताकि एमसीडी अपना काम आगे को शुरू कर सके। ये साफ तौर पर इंक्रोचमेंट था जो एमसीडी की निगाह में आया हुआ है, लोगों के सामने भी ये दिख रहा है। देखिए, इस इंक्रोचमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर कई बार कह चुके थे एमसीडी की टीम, लेकिन यहाँ पर अब जो तस्वीरें दिख रही है वो साफ बयां कर रही है कि अब कुछ देर में इंक्रोचमेंट हटाने की कवायद जो है बढ़ जाएगी क्योंकि बुलडोजर चलाया जाना था, लेकिन बुलडोजर चलाए जाने से पहले ही इस स्ट्रक्चर को हटाया जाना है और ये स्ट्रक्चर हटेगा तो उसके बाद देखा जाएगा कि कितने फीट अंदर की तरफ और इंक्रोचमेंट हुआ है तो उसके बाद उसे डैमेज किया जाएगा। कई लोगों ने अपनी जो सीढ़ियां बना ली हैं वो आगे को है तो उसको देखा जाएगा कि कितने फीट वो अंदर को दबी हुई है या बाहर को दबी हुई है, उसको हटाने की कवायद होगी। हालांकि स्थानीय विधायक ने यहां पर आकर ये कहा कि उनकी तरफ से कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, एमसीडी उन्हें दिखाए वो खुद हटा देंगे, तो इस तरह की दलील उन्होंने दी थी। लेकिन एमसीडी के अधिकारियों ने उनकी बातों को अनसुना कर ये कहा कि हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे और इसके लिए यहां पर कवायद लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की टीमें यहां पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की स्थिति में है, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान हैं, सभी मुस्तैदी से यहां पर खड़े हुए हैं। साउथ ईस्ट की डीसीपी ईशा पांडे यहां पहुंची थी क्योंकि काफी देर से विरोध किया जा रहा था, जिसके बाद को कॉल की गई जिसके बाद डीसीपी मौके पर पहुंची, हालात सुधारे गए, उसके बाद फिर इंक्रोचमेंट के काम को आगे बढ़ाया गया। अब यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जवानों के बीच में यहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों को, लोगों का जमावड़ा भी काफी है, अभी भी लोग विरोध लगातार कर रहे हैं, दूर दूर तक आपको विरोध लोगों का बीच बीच में दिखाई देगा, लेकिन जो एमसीडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर लगातार चलेगी, ये यहाँ पर अंदेशा एमसीडी ने दे दिया है। और कुछ देर बाद क्योंकि स्थानीय विधायक अमानतुल्लाह खान यहाँ पर पहुंचे हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, लोगों ने किसी तरह का कोई इंक्रोचमेंट नहीं किया है, लेकिन एमसीडी ने ये दलील दी थी कि यहाँ पर कई बार नोटिस देने के बाद भी इंक्रोचमेंट को नहीं हटाया गया था, जिसके बाद अब यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में कि जो स्ट्रक्चर यहां पर अतिक्रमण को बनाने के लिए किया गया था उस स्ट्रक्चर को हटाने के लिए उसी तरीके से उनके मजदूर यहां पर काम कर रहे हैं। अब देखना यही होगा कि कितनी देर बाद घेराव यहां पर बना हुआ है, वो घेराव हम आपको यहां पर दिखाएंगे कि पूरी तरह से घेरा गया है ताकि आसानी से अतिक्रमण हटाओ का जो ये अभियान है वो यहां पर जारी रहे, इसी तरह से चलता रहे। जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो तस्वीर इसी की बंगी है, यहाँ पर जो कि पिलर्स यहाँ पर पहले हटाए गए वहाँ मौजूद मेरे सहयोगी दीपक और चंदन आप तक पहुँचा रहे थे, और मैं जो ये तस्वीर दिखा रही हूँ वो थोड़ा सा दूरी से इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप देख सकें किस तरह से इस वक्त शाहीन बाग सड़क पर उतरा हुआ है, ट्रैफिक को लेकर व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है।